हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऐसे बनी हुई है जैसे मेरे को बहुत ठंड लग रही है। इसको आज ठंड लग रही है, वैसे आज ठंड है नहीं ज़्यादा। और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, होप आप अच्छे होंगे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं पारुल? आज हम जा रहे हैं बर्मिंघम। ट्रेन में पहले बैठी है तू कभी? हाँ, मैं ट्रेन में बैठी हूँ, पर रोहित के साथ मैं पहली बार बैठूंगी, सो इट्स लाइक माय न्यू एडवेंचर। तो हुआ ऐसा कि है, मैंने आपको लेके चलते हैं बर्मिंघम, और बर्मिंघम में दिखाते हैं क्रिसमस की वहाँ पे क्या रौनक है। और हम काफ़ी दिन से जाने की सोच रहे थे, लेकिन आज है ना, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसका लास्ट डे है। Yes. अगर आज नहीं जाते फिर अगले साल जाना। पिछले तीन साल से वेट कर रही है। पिछले साल वो मार्केट लगा नहीं, तो इस बार लग रहा है। तो भयंकर आवाज़ आ रही है यहाँ पे। हम ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन स्टेशन पे आए हुए हैं अभी। अभी आवाज़ भी नहीं आई थी, इतनी जोर की ट्रेन जा रही है। तो वही है, हम आपको वहाँ पे पहुँच के कल पर दिखाते हैं, और हम लोग आपको ये दिखाते हैं कि अंदर से ट्रेन होती कैसे है। तो चलो। हाँ, तो थोड़ी सी आपको अंदर से झलक दिखाएंगे। आजकल इंडिया में भी अच्छी अच्छी ट्रेन चला दी है, बढ़िया बढ़िया। और आपको बर्मिंघम का ट्रेन स्टेशन भी दिखाएंगे। तो चलो मैं लग रही है जैसे आई है लीबिया से। चलो, तो एक कोवेंट्री का ट्रेन स्टेशन, ये तो बिजी नहीं है ज्यादा, बर्मिंघम का देखने लायक होगा। तो चलो देखते हैं। और ये यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, बता रही है ऑन टाइम। हमारे साथ क्या हुआ बताओ आप? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमने सीट रिजर्व करवा रखी थी, और हम आके खुली सीट पे आराम से बैठ गए हैं। और भीड़ थोड़ी सी है, लेकिन ज्यादा नहीं है, सबको सीट मिल गई है। भैया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ऊपर कि कैसे यहाँ पे सीट्स पता चलती हैं, कैसे क्या होता है। और यहाँ पे लिखा भी होता है कि हमने कोवेंट्री से बर्मिंघम से सीट बुक कर रखी है। तो तो हम पहुंच गए हैं बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट। तो आज हम जहाँ पे आए थे वो है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में यहाँ देखो क्या मस्त वाला भीड़ लगी हुई है। देखो एलिवेटर में कितने प्यारे तरीके से डेकोरेट कर रखा, लाइट लगा रखी है। उसके बाद लेकिन इंडिया में सारे ट्रेन स्टेशन है ना वैसे बनेंगे, तेरे को पता? हाँ, क्रिसमस ट्री यहाँ पे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें हर जगह पे दिखाने के लिए। और यहाँ पे कोरोना का कोई नामो निशान नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ तो कोरोना इस कंट्री से जा चुका है। ये सारे के सारे कोविड पास लेके चल रहे हैं। यूके में है ना कोरोना के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मानते नहीं है। कौन से लोग? मैं भी ढूंढूं जरा कौन है वो। ये रहे, चलते हैं, लेट ना करते हुए जहाँ हमें जाना है वहाँ चले। कैसा लग रहा है देख के? आई एम mesmerized। यहाँ पे डिजाइन देखो, आप नीचे देखो, ऐसे चले जा रहे हैं लोग जैसे सीटियां नहीं होती, आती जाती आती जाती आती जाती रहती हैं वैसे। द क्रिएटिव सिटी है। तो ये देख के पारुल के मुंह में आया है पानी, क्या ये? ये सारी स्वीट्स हैं। तरबूज खाना है? तरबूज। So, ये छोटी सी दुकान बहुत अच्छी है, मुँह में पानी आ जा रहा है इसको देख के। तो सेल्फ सर्विस जितना चाहिए उतना ले लो। ऐसे भर रहा है बंदा।
तो आज हम आपको ना मार्केट दिखा रहे हैं कि बर्मिंघम में अगर कोई आया नहीं है तो यहाँ पे आप ना आए और हमारी वीडियो में देख लें कि कैसा माहौल है यहाँ पे। लाइट ही खराब हो रखी है इनकी, अरे इतना प्रेशर है ना इन लोगों के ऊपर बेचारे की लाइट खराब हो। तो फाइनली वो समय आ गया है जब पारुल ने 3 साल वेट किया है। I can see it. और यहाँ पे ये देखो, ये है मार्केट जो जर्मनी से आया है यहाँ पे लगने के लिए। और ये दुकानें लगा रखी हैं और इसका ये आखिरी दिन है जर्मन मार्केट का। तो लेट्स सी कि इस मार्केट में ऐसा क्या है जो पार्लर ने मिस कर दिया है। हाँ, बताओ ऐसा क्या है। सेम दुकानें रिपीट होंगी लेकिन कुछ कुछ अच्छी है। देखियो ये दुकान अच्छी सजा रखी है। और देखिए ऊपर, हाँ सांता, सांता गिरने वाला है। सांता हिरन पे भी बैठा है और हिरन सांता बना हुआ है। हम ही फोटो नहीं ले रहे, सभी ले रहे हैं। सब कुछ है ना उसको मीठा मिला के वो बेच रहे हैं, कोटेड कर रखा है। ट्राई करके बताएगी कैपेचिनो एलिमेंट कैसा है, रिव्यू दे रही है। अच्छा लगा? ऐसे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा मीठी कॉफी पी रही हूँ एलिमेंट फ्लेवर की। हाँ। तो यहाँ पे पूरी गली में ऐसे ही जर्मन मार्केट में अलग अलग डिजाइन के वो बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे हिरन बना हुआ है। हर दुकान पे अलग अलग है और लोग यहाँ पे हट्टी बनी हुई है, यहाँ पे दारू पी रहे हैं ज्यादातर लोग। ये देखो काफी अच्छा अच्छा डिजाइन है ऊपर बनाया हुआ है और इसके नीचे सब पैक से पैक बिड़ा रहे हैं, जर्मनी को बदनाम कर रहे हैं यहाँ पे बस। पर यहाँ पे प्राइस भी तो देखो, प्राइस तो होएगा ही वहाँ पे। ये भी रंग में रंग भर रही है इसकी बत्तियां, कितनी अच्छी लग रही है इसमें। देखियो ऐसे लग रहा है ये भी क्रिसमस बनाने आई है। सारे फोन लगे हुए, स्टोर कितना मस्त वाला बनाया हुआ है। बिल्डिंग ऐसी लग रही है जैसे कोई महल हो। महल ही है जो इंडिया में गांव में नहीं मिलती थी।
गांव के मेले में ऐसी ट्रेन मिलती है जो चाबी भरते थे पहले। हमारी तो जीपड़ी आती थी, एक जीपड़ी सी, इन्होंने ट्रेन में वो चाबी भरी है। ना बोर्ड पे भी है, ये नहीं है, ट्रेन पे जो जी वो है चाबी वो उसमें भरते थे। ये देखो ना ये कलर, कहाँ लेके जाएगी हमको? कुछ हो रहा है वहाँ पे, इधर से इधर आओ। सांता का लेटर लेके आना भूल गई थी, तो सांता ने यहाँ पे वो रखा है। ओए सांता का लेटर बॉक्स, नॉर्थ पोल जाएंगी सारी चिट्ठियाँ। लेटर लाना भूल गई। तो ओ ये देखिए मस्त वाला रौनक लगी है यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं। नहीं अब बारोलिस पे झूलने के लिए जा रही है। सबसे बड़ी बच्ची है इसके ऊपर, ये कहना सबसे बेस्ट पार्ट अब तक का ये है। देखो कितना अच्छा डिजाइन बनाया हुआ उधर, और इस विंडमिल है, ये सेंटा की विंडमिल है, हर जगह सेंटा को वो किया हुआ है, सेंटा निकला है, चिमनी से निकल रहा है, कहीं कहीं से निकल रहा है। ये कोई नोटी बंदा था क्या? सेंटा नो, तो एल्फ नोटीज है। और उस तरफ देखो वो सीधा उल्टा, ये करेक्टर बनाया हुआ है शायद किसी मूवी से फेमस हुआ होगा इस टाइप से। यहाँ पे सेंटा कितना सूख गया, ये सेंटा डिफरेंट टाइप का है, कोरोना से बेचारा उभरा है, उसको कोरोना लग गया था पिछले साल। तो ये है इसका जर्मन मार्केट का एंड, है ना? That's it. That's it का क्या मतलब है अभी? तो यहाँ पर ये जर्मन मार्केट एंड होता है, और अब हम जाके कुछ खाते हैं जर्मन मार्केट से निकल के अपने इंग्लैंड मार्केट में जाके कुछ खाते हैं। चलो यहाँ पे मेरे लाइक से कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो इनकी का हमारी काओ माता भी है इनके पास में, गाय है, शिप है, डोंकी है, एंड शी इज मेरी रिलेटिव एंड जोसेफ एंड जीसस। तो है ना लोगों की भीड़ अलग अलग दुकानों पे लगी हुई है, लेकिन जो फाइनली जिस दुकान पे है ना बच्चे सबसे ज्यादा हैं
और सबसे ज्यादा रौनक बच्चों ने बना रखी है वो ये दुकान है। और ये भी यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। ये तो ना मिल रहा बेटा, झूल लिया तूने जो झूलना था। आपने मुझे 3 साल पहले प्रॉमिस किया था। सबवे सबवे मिला है, बहुत दिनों बाद मिला है। हाँ जी। और उसमें भी तूने केचप डलवाया। सबवे में कौन कौन केचप डलवाता है पारुल के अलावा, कमेंट करो। तो कोरोना में पता है क्या हुआ है, कोरोना में इस बुल के भी इतने बुरे दिन आ गए हैं। नॉर्मली इसको है ना क्रिसमस के टाइम पे पूरा सेंटा का रेड आउटफिट पहनाई जाती है, लेकिन फिलहाल है ना, अगर आप ये राइट लेफ्ट साइड में देख सकते हैं फोटो, पिछले साल हमने देख ली थी सेकू की, तो इसने भी तब भी पहने हुए थे, अब नहीं पहने। कोरोना में देख लो 2 साल से इसका बुरा हाल हो रहा है, पर इसका वेट नहीं घटा। तो अभी क्या हुआ रोहित? अभी हमारी ट्रेन मिस होते होते बच गई। अभी हम लोग भाग भाग के आए हैं, हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे, तो अभी हम लोग भाग भाग के आए हैं एंड फाइनली हमें मिल गई। नहीं तो पता नहीं कितने शायद दूसरी ट्रेन कम चल रही है क्रिसमस के लिए, तो क्या होता हमारी ट्रेन ही मिस हो जाती। फिर जैसे हम ट्रेन से आए थे, फिर क्या करना पड़ता, या तो टैक्सी लेके जाना पड़ता कोवेंट्री तक जहाँ हमारी गाड़ी है, या फिर पैदल जाते। पैदल तो नहीं जाते, नहीं बस से चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस हाँ, बस मैं कोई गया नहीं हूँ जाती तो, नहीं बस इतनी सर्विसेज थोड़ी है कि बस यहाँ से कोवेंट्री। आज हमें ना कहीं और भी जाना था वो भी मिस हो गया, तो ये लोग हम कल ही कंटिन्यू करेंगे और कल आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। टू बी कंटिन्यू भाई, क्योंकि यही है और हम सेम ही कपड़े पहनेंगे, ठीक है? कल ही जा रहे हैं तो ये नए कपड़े पहनेंगे, नहीं इतने सारे। डिपेंड करता है कैसा मौसम होगा, अगर बारिश वाला है या कुछ और है, लेकिन बारिश कहाँ लगेगी, सीधा पार्किंग में जाओ। तो भाई है, कल के लिए रोहित ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है, थैंक यू बेबी। तो फिर भाई है, देखते हैं। तो हम आपको यहीं से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए जय राम जी की।